सब सुनिता किचन में स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ चावल के पकौड़ी। तो मैं बनाना, तो ये देखिए एक कटोरी ये चावल बच गया था दिन में, तो दिन वाला चावल कोई खाना नहीं चाहता है, तो इसलिए मैं पकौड़ी बना रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते बनाना। तो सबसे पहले इसे मैं एक मिक्सी के बाउल में पीस दूंगी। इसे दरदरा पीसना है, ज्यादा महीन नहीं करना है। और अगर आप चाहिए तो मिक्स पीसना नहीं चाहते हैं तो फिर इसे आप हाथ से ही मैश कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये पिसा गया है। तो अभी मिक्सी में ये दरदरा पीसे हैं, ये देख सकते हैं आप, पूरे दरदरा थोड़ा थोड़ा चावल दिख रहा है। तो ये देखिए, ये दो प्याज काट के ले रखे हैं, पतला पतला बारीक, इसे डाल देते हैं। ये देखिए, ये कच्चा मिर्च है, अदरक है, ये भी ले रखे हैं, एक से दो मिर्च। ये धनिया पत्ता है, अब चाहे तो पुदीना पत्ता भी डाल सकते हैं इसमें टेस्ट लाने के लिए। कस्तूरी जो कड़ी पत्ता रहता है वो भी डाल सकते हैं बारीक से काट के। मैं धनिया पत्ता डाली हूँ, अभी इसमें मसाला डालते हैं। तो ये देखिए, स्वाद अनुसार नमक डाल दे रहे हैं। ये देखिए, हल्दी डाल दे रहे हैं एक चम्मच। तो ये देखिए, एक छोटा चम्मच ये लाल मिर्च है कुटी हुई। तो एक चम्मच देखिए गरम मसाला डाल दे रहे हैं। तो इसे बाइंड करने के लिए दो चम्मच ये बेसन डाल दे रही हूँ। ये देखिए, दो से तीन चम्मच बेसन डाल दे रही हूँ, ज्यादा मत डालिएगा। इसे हल्का सा जमाइन वगैरह डाल देते हैं। ये देखिए, क्रश करके डाल दे रहे हैं। इसमें स्वाद बढ़ जाता है। तो एक चम्मच ये अमचूर पाउडर है, इसे खट्टापन देने के लिए, तीखा चटपटा बनाने के लिए। तो ये देखिए, इसे मिक्स कर दे रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये गूंथ के रख दिए थे इसे एक से दो मिनट के लिए। तो ये पांच मिनट में बन के तैयार हो जाता है स्नैक्स, ये टी टाइम बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं छानना। मैं तेल चढ़ा रखी थी गर्म होने के लिए, तेल गर्म हो गया है। तो इसमें डालती हूँ पकौड़ा। अब बारिश के मौसम में भी बनाकर खा सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसे धीरे धीरे करके इसे साइड करना है। इसे ज्यादा तेज आंच मत करिएगा, वरना ये अंदर से कच्चे रह जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसे पलट देते हैं धीरे धीरे आंच में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया, बन गया है। अब इसे निकाल देते हैं कुरकुरे स्नैक्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसे निकाल देते हैं और इसे सारे ही बना लेंगे। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा बन के तैयार हो गया, सब कर चुके हैं। धनिया पत्ता की चटनी है पुदीना के। तो ये देखिए, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन घंटी दबा दीजिएगा, कमेंट में लिखिएगा कि कैसा बना है। अगला वीडियो फिर लेके आएंगे। आइए, पांच मिनट में बन के तैयार हो जाता है स्नैक्स, टी टाइम स्नैक्स है।